यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, गाड़ी संख्या 2-1-4-4-2 जो कि नई दिल्ली से चलकर भोपाल की ओर जाने वाली है, वो अभी 24 घंटा लेट चल रही है। असुविधा के लिए खेद है, धन्यवाद। अरे रे दादा, अभी तक 2 घंटा लेट थी। बोलेंगे तुमको, बोलेंगे अरे तुमको। तो हमारी क्या गलती है, हमारी सरकार है का? बगल वाले से पूछा था हमने, बोला था ट्रेन लेट है, लेकिन समझ में नहीं आता है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो बगल वाले से काम चला लेती, हमारा क्या खून पी रही? ना कुछ खाए दिया ना कुछ पिए दिया, तो भाई भूखे बैठे हैं। तो गाड़ी टाइम से आती है, हम तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, गाड़ी हमारा इंतजार थोड़ी करेगी। सुन रहे हो, 24 घंटा लेट है, का यही सुइयो। चलो तो चाय वाला आ रहा है। ए चाय चाय पी लो, नाराज मत हो, चाय पी लो, चाय पी लो। मुनवा के भाई, हाँ हाँ, एक कप चाय दे। कुछ खाने पीने को है? मेरे पास तो पीने का सामान है, खाने वाला मेरा भाई लेके आ। अभी एक बात बता तू। अबे चुप केला, तू चाय बेच झटके ज्यादा ले रहा, क्या बात है? झटके पैदा हो गए। मेरे पास अदरक वाली चाय। अच्छा रुक रुक रुक, पहले कुछ खाने का सामान इधर है। ये तो पीने का सामान दे रहे हैं, आपके पास खाने का कुछ सामान है? क्या है? क्या है? केला। केला चाय के साथ? केला। इसका साइज देख ले, से केले का साइज देख ले तू। मुन्नू पापा ये ले लें? हाँ ले लो, बहुत जोर से भूख लग रही है। इसका सब कुछ ले लो। अरे अरे भाई साहब, ये हो गया। चलो जान दे। ऐसा करो, हमें यहाँ पूरा दे दो, हम बहुत सारा 24 घंटा यही रुकना है। ले लें? पास आओ भाई साहब, थोड़ा सब ले लें हम आपका सामान। चलो ठीक है मुन्नू पापा, इतना हो। खा लो खा लो खाओ खाओ खाए खाओ खाइयो। हाँ तुम खाओ, तुम खाओ ना, तुम खाओ। हम तुमको खिलाना भी नहीं चाह रहे थे। ए भाई साहब, कौन डिस्टर्ब कर रहा भाई? अरे भाई जी, टीटी बाबू, टीटी बाबू, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानता फिर, लेकिन जिस तरह से आप लबरिया रहे हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि आपको भोपाल जाना है। आपने कैसे जाना कि मुझे भोपाल जाना है? कहीं आप कल्लन तो नहीं है? ये वर्दी और ये बिल्ला देखकर तुम्हें नहीं लगता कि मैं टीटी हूँ? वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो फिर दिखाओ। मुन्ना पापा कह रहे हैं दिखाओ। ये टीटी क्या देखेगा? हे भगवान, क्या रेलवे में भी कानून पैदा हो गया है कि कोई अपने मेहरानों को लेकर तुरंत दिखाए? अरे टीटी बाबू, नहीं दिखाया हाँ तो फिर अंदर। मुन्ना पापा हाँ बाबू, सुन भी रहे हो? हम सुन रहे हो? सब सुन रहे थे, दिखाओ। हाँ कह रहे हैं अंदर डाल देंगे। बाबू जी, आपकी सारी बात समझ में आ रही, दिखाओ तो वहां तक ठीक है, ये अंदर वाली बात मेरी समझ के बाहर है। अगर दिखा दिया तो ठीक है, नहीं अंदर डाल देंगे। अंदर? हाँ ना दिखाएं तो? तो अंदर डाल देंगे। तो आप किसकी? ये अंदर डालने को कह रहे हैं? किसकी देखेंगे? अरे तुम दोनों जा रहे हो तो दोनों दिखाओ। हाँ भैया, टीटी बाबू बाबू हमारी तो ठीक है, इनकी कहाँ देखोगे? अरे ये भी तो जा रहे हैं तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ तो आप नहीं मानते तो दिखाई देते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे ना। अरे मैं तो आपका टिकट देखना चाहता हूँ। तेरे की, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। लीजिए आप देखिए। टीटी बाबू, हमें लगा आप कुछ और कह रहे थे। क्या कह रहे हैं? वो ना यहाँ पे ना एक टाटू है। टाटू नहीं, टेटू कहते हैं उसको। अरे भाई गांव की है। अच्छा सही जा रहे हैं। वो कभी कभी टिकट नहीं होता है ना तो यहाँ इशारा कर देते हैं। हाँ हाँ। तो बहुत से टीटी बाबू ऐसे ही छोड़ देते। पूरा टिकट घर यही है। वो कोई दूसरे टीटी होंगे जो ऐसे छोड़ देते हैं। हम टीटी बड़े सख्त हैं। अरे आप कितने सख्त हो, खिड़की में हाथ डालिए, ऊपर से टिकट निकालिए। टिकट देखिए, टिकट आपका नाम ल ल ल ल ल ल ल ल
अरे ये भी कोई नाम है? अरे सही से बोलो। अरे हम ना बताए तो? अरे आपको बताना तो पड़ेगा ही। मेरा नाम किटी साहब, इसमें पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए ना, क्या मुसीबत में फंस गए। एक तो तुम जब घबराते हो तो हकलाने बहुत लगते हो। अरे हम तो क्या, नाम ही नहीं बता पा रहे हो, फंस गए तो। और ये टिकट तो किसी लल्लन के नाम है। हाँ हाँ टिटी बाबू, ये है तो लल्लन तो किसी का भी नाम हो सकता है। हमारे लल्लन है और हम इनकी पत्नी भोली। वाह, ये है लल्लन। हाँ। और तुम हो भोली। हाँ। भोपाल की होली, तभी हम दोनों मिलके देते गोली, और अंदर कर देंगे तो भर जाएगी झोली। ठीक है ना, जाइए आप। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब तुम खाओ ना, अब तुम खाओ, आराम से खाओ। अब खाओ, आराम से खाओ, खाओ खाओ खाओ। बड़ा मुसीबत पैदा की ये लोग तो, क्या बताएं। हाँ खा भी लिया, पी भी लिया, कब तक यहाँ बैठे हैं बताओ। अब सूते की इच्छा हो रही है, सूत जाए जाए। का मतलब? चुपचाप चादर उड़ के। अरे मुन्नू के पापा, तुमको तो बस यही लगता रहता है, स्टेशन पे हो तो शर्म करो। अरे आ नए हरिया, बताओ। हाय भगवान, ये जोड़ा बैठ है, ये दिन ही है कुछ गाय बजाए के हिसाब किताब बना दिया जाए, कैसा कैसा सामान है। राम राम बाबू जी। जय राम, जय राम, राम राम, जय राम। लग रहा है नवा नवा शादी हुआ है। हाँ हाँ मुन्नू के पापा। हाँ मगुनो बढ़िया लग रहा, नाचने गाने वाले। हाँ नाचने गाने वाले बाबू जी। हाँ नाच गा से कुछ इनाम मिली? हाँ सामान मिली, सामान भी। अरे सब सामान रखने बस। हाँ हम लोग कह रहे इनाम मिली तो कह रहे सामान मिली, ओका सामान क्या होता है? नहीं समझती हो, मन की भावना है, बता बता। ए नचनिया, ये जब सामान खोलेंगे तब तो निकाल के देंगे। तो ऐसे कहो ना। और क्या कह रहे हैं? पैसवा निकाल के दे दिया। पैसवा बात कर, बैठ के पैसवा। हाँ बैठ के बजाओ, शुरू करा। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत। पहले घूंघटा उठाया फिर सेज पे सुलाया, पहले घूंघटा उठाया फिर सेज पे सुलाया, फिर कमर में कमर दिया सामान लूटा है। तुम काय पूछो, पूछना इनको पूछो, तुम काय पूछ रहे हो? अच्छा है तुम्हार नई नई शादी भाई है, काहे ये बारात चावार है। डाका डाल दिया पहली मुलाकात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात। पहले उंगली दबाई में बहुत छटपटाई, फिर
बता दे रानी क्या है मजबूरी फिर ये बता रात दिन जोड़े में टूट गई चूड़ी फिर ये बता दे रानी क्या थी मजबूरी फिर ये बता दे रानी क्या थी मजबूरी पहले उसने सताया मैं बहुत गड़बड़ा फिर उंगली दबाई मैं बहुत छटपटा फिर रात में ना सोने दिया रात दिया बूटा के पिया क्या क्या किया रात दिया बूटा के पिया क्या क्या किया आई सुहाग वाली रात रे उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे जब मैं आई सुहाग वाली रात रे उसने चुम्मा से किया शुरुआत पहले घूमता उठा सेज पे सुला पहले घूम सेज पे सुलाया फिर कमर लेका दिया रात दिया बूटा के क्या क्या किया रात दिया बूटा के पी क्या क्या किया रात दिया बूटा किया क्या क्या किया रात क्या क्या किया क्या हो रही जय जय बाबू जय जय बाबू क्या हो रही बाबू 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 नाचे गाए से कुछ पैसा कमा अच्छा क्या हो रही बाबू नाच गा के कुछ कमा के पेट के लिए कौन हो तुम नाचने गाने वाले तो ये नाचना गाना ये प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ये लोग बैठे थे ये लोग कहने लगे नाचने गाने वाले हैं हमें लग रहा है कहाँ की हो तुम हम यही के यही क्यों तुम यही क्या तो तुम्हें यही जगह मिली नाचने गाने के लिए क्या करे ये तीनों यही के हैं अच्छा अच्छा मुन्नू के पापा चार ये फिर लेंगे फिर लेगा ये फिर लेने आए हैं बच के रही ना दोनों के लेगा इधर बोले उसी में फंस गए और तू भी इधर आवे अच्छा साहब किससे पूछ के आए तुम यहाँ पर नाचने गाने साहब हम तो बराबर आए थे आज आप पहली बार दिखे पहली बार दिखे हम पहले उठे ना जब हम पहले आए थे यहाँ पर तो तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था तो अब ऑपरेशन हो गए हम भी आ चुके हैं ये देखो दादे बदतमीजी करी तो तुम तीनों को तीन तीन महीने के लिए अंदर डाल देंगे अरे भगवान और डाल के भूल जाएंगे बड़े बड़े सड़ जाओगी कहाँ डाल देंगे हवालात में हवालात हम तो समझे पता नहीं कौन जगह बता रहा चलो हमारा तो ठीक रहा तुम दोनों को भी अंदर करे दे रहा तो एक काम कर साहब आप कुछ गाना बजाना सुन ले और नहीं तो हम लोगों का जाए दे राम राम गाना बजाना कुछ सुन लीजिए आप भी अरे हम ड्यूटी पर हैं टिट्टी साहब हाँ साहब बहुत बढ़िया गाते बजाते हैं ये लोग हाँ साहब कह रहे हैं हम ड्यूटी पर हैं चलो एक मिनट तुम अच्छा गाती हो ये अच्छा बजाते हैं अच्छा सुना देखा ओकर खुद मानसून बनाए लाग जल्दी 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 सुनाओ ले टीटी टीटी को हमें टीटी ओ हो जल्दी सुना टीटी की विचारधारा समझ नहीं आ रही हमारे तुम नहीं समझ रहे हो जल्दी सुना दो हमें और दूसरे की भी लेनी है दूसरे की भी लेनी है हाँ अरे इन कुआरी के चक्कर में ये हमारी बात कर रहा है बहुत लेता है भाई ऐसा है हम लोग निकल ले पतली गली से अरे सुना सुना भाई आप लेते रहो हम लोग जा रहे नमस्ते पापा हाँ। चाय वाला हमारी बारी आ गई क्या अब तैयार रहो देने के लिए फिर लेगा क्या नमस्ते साहब अबे अबे गरीबा नहीं आई बाबू कहाँ खड़े हो जाए गाड़ी तो नहीं आई लेकिन ये तुमने क्या किया है ये सब कूड़ा क्यों खड़ा रखा है हैं तुम्हें मालूम नहीं सफाई अभियान चल रहा है अरे सफाई अभियान तो चल रहा है सरकार की नजर इस पे भी है किस पे इस पे हाँ इस पे है कहाँ है 24 घंटा लेट हो गई है नजर है वो लेट होगी तो कोई ना कोई बात हो सकती है लेकिन तुमने ये कूड़ा क्यों फैला रखा है भाई खाए तो कहाँ फेंकी अरे जगह जगह डस्टबिन बनी हुई है उसमें डालो कूड़ा धीरे सरकार ने जो सफाई अभियान चला रखा है स्वच्छ अभियान चला रखा है ये काहे के लिए चलाया है ना हटाई तो अरे ना हटाई तो फिर तुमको भी 3 महीने के लिए डाल देंगे और साथ में पापा हाँ 3 महीने का डालेंगे ये बताइए और तुम्हें 3 महीने के अंदर हमारे डायलॉग इसके अंदर करोगे हाँ। अरे क्या मुसीबत है भाई राजा ऐसा है हम अपना सामान खुद उठा लेते हैं अपना उठाओ अपने हाथ से हाँ? हाँ अपना उठाओ अपने हाथ से अपने हाथ से उठाओ अपना
मेरा रुका। और फिर डालो। मेरा रुका। ये अपने हाथ से अपना उठाएंगी। एक काम करो तुम उठाओ, हम दोनों का उठा के डाल देगी। चलो डालो कूड़ा। जल्दी उठाओ नहीं फिर से भरना पड़ेगा भाई। ऐसा है ना साहब, हमारी आदत है फैलाने की। जहाँ मन करता वहीं फैला देते, ये डाल देते। हमारी आदत समेटने की। तो फिर इनसे कहो ये सफाई किया करे। हाँ ये यही तो करते हैं घर पे। तो फिर यहाँ क्यों नहीं किया साहब? अगर आपके घर में जगह खाली हो तो आपके घर में चौका में चूल्हा में मेहरारू के चूल्हा में पोछा ओछा लगा दिया करे। पोछा लगा क्या हो जाएगा? सफाई रहेगी। वहां जरूरत नहीं है सफाई करने की। और जितने यात्री यहाँ प्लेटफार्म पे हैं, सबसे हमारा निवेदन है कि आप लोग ऐसा गलत काम ना करें कि खा पी के कूड़ा ही फेंके दे। 500 रुपया जुर्माना है, 3 महीने के लिए अंदर है। यही बात है ना? सुनो, ज्यादा काम का लालच ना दो। घर पे काम कौन करेगा झाड़ू पोछा बर्तन? बड़े आए उनके यहाँ जाके। और अगर 3 महीने के लिए अंदर नहीं हुए तो 500 रुपये जुर्माना। भैया वो 500 से अच्छा ये हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी गलती नहीं हो, कान पकड़ते हैं। तुम ये ध्यान रखना जी साहब, वो टैटू कहाँ बनाया था? का देखेंगे का? हाँ तो फिर क्या? का देखेंगे का? हाँ हाँ फिर तो दिखाओ। ए बाबू, ऐसे नहीं दिखाते हैं। टिकट देख रहे हो कि हमारी मेहरारू का कुछ और देख रहे हो? टैटू देख रहा था। अरे नहीं नहीं, वो टिकट मांग रहे थे। तो टिकट हुआ है का? टिकट हाथ में लिए है? यहीं से निकाल के दिए ना अभी। आप कूड़ा फेंक के आए? बहुत शरीफ हैं। गलत आदमी के सामने गलत जगह हाथ मत डाला करके। कूड़ा फेंक के आए आप? हाँ फेंक दिया। कूड़ा तो फेंक रहे हो, करके आ रहे हैं। कोई है तो नहीं? ये आप देखेंगे। ये बताइए जी, आपको यही बुढ़ा आदमी मिला करने के लिए? पैसा? पैसा तो हमारे पास में भी है। आप हमारे साथ बॉम्बे भाग चलिए ना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही में, ये रेलवे की नौकरी खाम खा कर रहे हैं। हम भी इससे बहुत परेशान हैं। हाँ सोच रहे हैं। हाँ चले जाएं। हाँ हाँ कुछ मिल जाए बढ़िया सा। हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन मिलेगा जब ही जब आप हमारा साथ दोगे। अरे आपको ये इतनी बुरी सूरत का आदमी करना ही नहीं था। तगड़ी सूरत का है वो तो मैं कह ही रहा हूँ। बर्दाश्त करोगे? तुम एक काम करो, मेरे साथ बॉम्बे चलो। हाँ मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बनवा दूंगा। रिश्वत का पैसा सब यही है का? आए दैया, क्या कर रही हैं आप? मार डाले जाइबे। आप टिकट चेक कर रहे हैं कि हमारी मेहरारू चेक कर रहे हैं? सॉरी सॉरी देख रहे हैं। ए सॉरी सॉरी, नियत डाल ले हमारे ऊपर। अब पलट के बाबू, अब पटक के पलट दे, तू भूल जा तू टीटी बाबू हो। सॉरी 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 सॉरी, अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी गाड़ी आ गई है। सॉरी जाइए यहां से। ये बहुत लबरा टीटी हमारे ऊपर गंदी नजर डालना था। हमें की नजर निकाल लेंगे। चलो बदतमीज बदतमीज होते हैं। चल बैठ, सामान उठाए। अब सामान कहां से? गाड़ी में नहीं आई है। एक काम करो, तुम खोलो। हाँ हम डाले का? ये सामान पड़ा हुआ है? बहुत बड़ा नहीं है। रे मुन्नू के पापा, सामान उठाओ। एक तो तुम्हारा सामान इतना बड़ा है कि हम कहाँ बताएं। इसको बड़ा नहीं कहते हैं, ज्यादा कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है उठाओ। तो खोलो तो। का खोले? अरे भाई दरवाजा खोलोगी ना तभी ना डालेंगे। सामान पहले उठाओगे कि नहीं उठाओगे? एक तो उठाए उठाए परेशान है, तुम होके रखते नहीं हो। जाने कौन सी खानदानी आदत है। हम अपने बाप के सच्ची औलाद हैं। हमारे बाप सारा सारा दिन खड़ा रखते थे, हम उन्हीं के आदर्श पे चलते हैं। हमको चाहे जितना कहें, हम कभी बैठते ही नहीं थे, लेट जाते लेकिन खड़े रहते थे। आ हा हा हा, पता है तुम्हारे खानदान में एक से एक नमूने हैं। हाँ अच्छा नमूने दिखाई दे रहे हैं। हाँ चलो अब भोपाल जाना है। भोपाल जाना है चलो। इसीलिए तो डलवाया था। क्या डलवाया था भाई? जो कल शाम को डलवाया था तुमसे। अच्छा मोबाइल में पैसे डलवाया था? और क्या, बात करनी है अपनी चाची से। तुम्हारी तरीके थोड़ी ना, एक मोबाइल भी पास में ना हो। अरे मोबाइल की कोई बात नहीं, मोबाइल 2 मिनट खरीद सकते हैं, पैसा कमी नहीं है। लेकिन एक समस्या है। क्यों नहीं खरीदते? क्या समस्या है? अरे भाई उसमें खरीद लेंगे तो उसके चक्कर में हमेशा खड़ा रहेगा। क्या खड़ा रहेगा? कान, पता नहीं किसका फोन आ जाए, ये तो समस्या है ना। चलिए क्या मुसीबत है, कैसा आदमी मिल गया तुमसे? सही तो वो टीटी था। हाँ? काम कर, बिना टिकट चली गया, बिना टिकट। नहीं नहीं हाँ? हम ऐसे बोल रहे थे, आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करती है कि टीटी को तैयार करती है, हम समझ गए हैं। नहीं नहीं मुन्नू के बापू,
तुम्हारे सिवा किसी के ऊपर भी एक भी नजर कभी नहीं डालते हैं, पता है? लोग हमारे पर नजर डालते हैं, हम घुमा लेते हैं। हमने तेरे सिवा सामने वाले को अपनी बीवी छोड़ के सब कुछ समझा है, हैं? हाँ। और सुनो, मेरा रू समझा, बीवी नहीं समझा। हमारे ऊपर जब भी कोई गलत निगाह डालता है तो हम खोल के बैठ जाते हैं। हाँ। भैया आप लोग हमारी मेरा रू की तरफ मत देखना, सुनिए, खोल के बैठ, आंख नाक कान सब खोल लेते हैं बचने के लिए। है तेरी की, थोड़ा सा तो कोई बात समझते नहीं है, थोड़ा से पढ़े लिखे होते तब ठीक था। चलिए चलो ठीक है, हम खोल रहे, तुम डालो। यार कह रही और हम खोल रहे तुम डालो, अरे भगवान यही डालना पड़ेगा कुछ तो। हल्की बुढ़े कुछ तो शर्म करो, सबके सब सामने कैसे डालें? खोलने सामान डालो अंदर, हम समझे कुछ और डालने कह रहे क्या, कुछ ना कुछ यही सोचता रहता है पागला।